अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना मेहताब हुसैन शर। तो आज मेरे बाल ख़राब थे, मुझे बाल भी बनवाने थे क्योंकि सुबह थी ईद। तो हम अभी जा रहे हैं सैलून पे जा रहे हैं क्योंकि बाल बनवाने हैं। तो आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो हमें सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो क्योंकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी व्लॉग्स दिखाएंगे जो आप उससे मज़े लोगे। तो ये मैं जा रहा हूँ सैलून पे, पैदल हूँ मैं। तो जो मेरा दोस्त था उसने मुझे छोड़ दिया, तो ये हमें अपने शहर ढेरकी की ये सुमरा चौक है जो बहुत ही मशहूर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सैलून पे, सैलून हमारा 5 नंबर नाके पे। तो मुझे भी उधर जाना होगा क्योंकि मेरा दोस्त तो मुझे छोड़ गया। आप तो अभी मैं जा रहा हूँ उस सैलून पे क्योंकि मुझे बाल बनवाने हैं, तो उधर सैलून पे जाना है क्योंकि सुबह ईद है, तो इसलिए हमें तैयारी भी करनी है। ईद तो साल में 2 दफ़ा आती है, आपको पता है। तो ये अभी मैं दिखाऊंगा सैलून का, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा सैलून। अभी आप देखना सैलून, ये हमारा सैलून। तो हम इधर अंदर जाएंगे, बाल बनवाएंगे, फेशियल करवाएंगे क्योंकि ईद हमारी आ गई है, सुबह ईद है, गोश्त भी जाम होगा, गोश्त भी खाना है, इसलिए हमें पेस्ट वगैरह भी करना है। तो ये हमारा सैलून है। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो ये मेरे बाल थे, ये मेरी हालत आप देख लो। अभी ये मेरी हालत थी आप देख लो। तो मैंने उस सैलून वाले को बोला मुझे ऐसा बना दो कि सुबह ईद पे हर कोई मुझसे पूछे कहाँ से बाल कटवा के। तो उन्होंने अपनी मशीन, जो हम बोलते हैं हथियार, उन्होंने उठाए, एक मशीन उठाई और उसने सीज़र उठाई, तो उसने ठकाठक शुरू कर दी। तो वो मेरे बाल बना रहा था। तो एक मेरा कैमरा मैन था, मैंने उसको अपना मोबाइल दे दिया कि तू अपनी वीडियो बना। तो वो सैलून वाला मेरी कटिंग शुरू कर दी उसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मशीन चलाई, तो इधर से मुझे बोला कौन सी क्रीम लगाऊं। मैंने कहा जो भी लगा लो, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे लगवाने से काम था क्रीम। तो उसने ये देखो ब्लेड पहना और अभी वो करेगा मेरी शेव। तो उसने ये काम स्टार्ट कर दिया। और जिससे मैंने हेयर कट करवाया इसका नाम है फहीम लेगारी। वो उसका सैलून माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो हेयर कटिंग भी अच्छी करता है। उसको मैंने बोला मेरी हेयर कट कर दो स्लोप, तो उसने वो स्लोप कर दी। तो वो अभी आपको हम दिखाएंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, हम ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। तो ये देख लो अभी हम हो गए तैयार। तो ये मेहरबानी है फहीम लेगारी की जिसने मेरे बाल बनवाए।